वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नैन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है हमारा आज का मैग्नेट। मैं आज में बताऊंगी आपको कि मैग्नेट का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि मैग्नेट वास्तव में होता क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। ये मैग्नेट जो है, उससे पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट जो है पूरे इलेक्ट्रिकल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आप पूछेंगे कि इलेक्ट्रिकल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों बता रही हैं आप इसको, क्योंकि जितना भी मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, सब क्या होता है, ये मैग्नेटिक पदार्थ का बना होता है। तो हम मैग्नेट में जानेंगे पहले मैग्नेट होता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और मैग्नेट के कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, और मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप्स होते हैं, है ना, सारा कुछ जानेंगे। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी आपको, अगर वीडियो पसंद आए तो बिना स्किप किए इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ जो है एक भी वीडियो जो है उसको मिस ना करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं आप तक वीडियो पहुंचे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। पहले मैं बता रही हूँ आपको मैग्नेट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, कई बार देखा होगा कि मैग्नेट जो होता है, वो लोहे के छोटे छोटे कणों को आपस में क्या करता है, आपस में एक साथ जो है खींचता है या ढकेलता है। आपने देखा होगा, ये कैरेक्टर है उसका, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है कि मैग्नेट होता क्या है। तो मैग्नेट क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, लोहे के छोटे छोटे कणों को आपस में जो है खींचता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा खींचेगा ही, क्या करेगा, कभी कभी ढकेलता भी है। आपने कभी ये चीज महसूस किया होगा, जब दो चुंबक को जो है आप पास में लेकर आओगे, तो कभी ऐसा होता है कि दो चुंबक में अट्रैक्शन का गुण आता है। कभी आप देखोगे एक दूसरे को वो खींच रहा है, कभी आप देखोगे कितना भी आप उस दोनों को, दो चुंबक को पास लेकर आओ, तो क्या होता है उसमें रिपल्सन होता है, मतलब क्या होता है, एक दूसरे को ढकेलते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, तो ये वजह जानेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास था, इंट्रोडक्शन हो गया। सेकेंड वाला जो है बताना क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में विशेषताएं बताना मैग्नेट का क्या क्या होता है। तो इसमें कई सारी विशेषताएं हैं, आप अगर बुक पलटोगे तो बुक में बहुत सारी विशेषताएं आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि बुक से ज्यादा अगर कोई चीज एक बार आपके दिमाग में घर कर जाए तो आप उससे बहुत सारी जो है बहुत सारी लाइनें तैयार कर सकते हैं, बहुत सारी उसकी चीजों में विशेषताएं बता सकते हैं उस चीज में, अगर आपको उस चीज की अच्छे से नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है एक मैग्नेट का रॉड डायग्राम बता रही हूँ, ठीक है। वास्तव में मैग्नेट का आपने सबने देखा है, ठीक है, लेकिन मैग्नेट का कैरेक्टर से बताने के लिए मुझे फिगर वाइज मुझे बताना पड़ेगा। तो आप जो है बने रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेट को मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए एक छोटा सा मैग्नेट टुकड़ा है, ठीक है, और इसमें हमेशा मैग्नेट में क्या होता है, हमेशा दो पोल होते हैं। कौन कौन से पोल होते हैं, ये है नॉर्थ और एक है साउथ, ठीक है। चुंबक में हमेशा दो ही पोल होते हैं, कोई और तीसरा चौथा पोल नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करके रखेंगे, ये आपका जो है आगे चलकर जो है पोल में जब हम लोग पढ़ेंगे मोटर जनरेटर सारे में, तो यही पोल का जिक्र होगा और आप उस टाइम कंफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता होगा कि हाँ मैग्नेट का कितना पोल होता है, दो पोल होता है, पहला होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला तो यही हो गया कि अगर ये मैग्नेट का टुकड़ा है तो ये जो है पहला वाला जो आपको दिखा है यहाँ पे, ये क्या, ये छोर जो है क्या है, ये नॉर्थ का, दूसरा छोर क्या है, साउथ का छोर, ठीक है, क्लियर, पहला लाइन। दूसरा है, अगर कोई मैग्नेट को, अगर इस मैग्नेट टुकड़े को हम लोग तोड़ेंगे, चोट मार के तोड़ेंगे, तो जो टुकड़ा बनेगा, मतलब सपोज यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, ठीक है, टूटने के बाद यहाँ क्रिस्टल जैसा आपको दिख गया, कहीं से भी कैसे भी टूट सकता, जरूरी नहीं, ठीक है। तो जब भी टूटेगा तो हर एक टुकड़ा अपने आप में क्या होगा, चुंबक होगा। जब भी टूटेगा तो हर एक टुकड़ा क्या होगा, आपस में चुंबक होगा। तो ये मेरा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था इसका, ठीक है। पहला क्या था, नॉर्थ और साउथ पोल होगा। दूसरा, अगर चुंबक को तोड़ते हैं तो क्या होगा, प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में क्या होगा, चुंबक होगा, क्लियर है। तीसरा, चुंबक जो होता है, ये चुंबक आपको देखेंगे, अगर चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाएगा कभी भी, तो क्या होगा, वो जो है नॉर्थ और साउथ पोल को ही दिखाएगा, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि अगर ये चुंबक जो है मेरा, ठीक है, इस चुंबक को अगर आप बीचों बीच डिवाइड करके मैं बता
बता रही हूँ आपको, क्या बता रहे चाहिए समझ जाने। ठीक है, ये जो आपको ये पॉइंट दिखेगा ना, ये वाला पॉइंट जो मिड पॉइंट है, इसमें क्या होता है, इसमें शक्ति नहीं होती है, ना के बराबर मतलब नहीं होती। आप कभी चुंबक का जो भी शक्ति है उसके पोलों पर ही पाया जाता है। ठीक है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, चुंबक का जो भी शक्ति होगा वो क्या होगा, इसके पोलों पर ही पाया जाएगा। इसका जो मिडल पोर्शन होगा, इधर मिडल बीचों बीच, ठीक है, यहाँ पे कोई शक्ति नहीं होगी। कोई शक्ति नहीं होगी तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का बात ही नहीं आएगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विशेषता क्या हो सकती है कि जब दो चुंबक को पास में लेकर आया जाएगा, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक चुंबक बना दिया, ठीक है, यहाँ पर एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है, अगर यहाँ पे एस और यहाँ पे एन होगा, ठीक है, यहाँ पे एस और यहाँ पे एन होगा, तो क्या होगा, ये मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट पोल है, एन पोल एस पोल है। लेकिन वही सपोज अगर हम यहाँ पे एन कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक दूसरे को रिपल करने लगता है। क्लियर है, क्लियर है अच्छे से। उसके बाद एक मैग्नेट जो आपको मैंने बताया, ये मैग्नेट जो होता है, ये पोल एस पोल मैंने दिखा दिया, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन से फोर्स निकलता है, मैग्नेटिक लाइन से फोर्स निकलता है, जो क्या करता है, नॉर्थ से निकलकर क्या आता है, साउथ की तरफ बढ़ता है। ये आप देख पा रहे हो मेरा फिगर जो है, हर एक चीज को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, ताकि आप जो है इजिली समझ पाए। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो इजिली आप क्या करोगे, कोई भी चैप्टर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये जो दिख रहा है, मैंने एरो से दिखाया इसको, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, एन टू एस जा रहा है। ठीक है, एक एन टू एस जा रहा है, इधर से भी आप कर दो, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से भी यहाँ जा रहा है। तो क्या हो गया, ये नेक्स्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था क्या था, इसका जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पे जाता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बता सकते हैं कि देखिए, ये तो मैग्नेट के बाहर आपको दिख रहा है ना, ये मैग्नेट है, बाहर ही ढांचा दिखा रहा है, मैंने दिखाया आपको, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, ये जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होने जा रही है, एन टू एस जा रही है, लेकिन मैग्नेट के अंदर हमेशा ये एस टू एन चलता है, एस टू एन चलेगा मैग्नेट के अंदर। क्लियर है, मैग्नेट के अंदर कहाँ चलता है, एस टू एन चलता है। आप देखो ना यहाँ पे, ये एन एस एक पोल बन गया, वापस ये एन एस एक पोल बन गया, मतलब क्या होगा, मैंने क्या बताया, हर एक चुंबक को आप तोड़ोगे तो प्रत्येक हिस्सा क्या होगा, एक चुंबक होगा। ठीक है, प्रत्येक हिस्सा चुंबक होगा, तो होगा क्या, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा। क्लियर है, यही दो चीज होगा ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो मेरा मैग्नेट आपको, ये तो आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेट में और विशेषता है कि अगर मैग्नेट को बहुत ज्यादा जोर से चोट मारा गया या फिर आग में उसको दिया गया, तो उसकी जो मैग्नेटिक शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, मैग्नेटिक शक्ति क्या होगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। ये था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। मैग्नेट में बहुत सारा चीजें पढ़ने के लिए जो आपको जो है जानना बहुत जरूरी है, कि जैसा मैंने अभी क्या बताया आपको, ये जो मैग्नेट है आपका, मैग्नेट ये क्या है, एक तरह का पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचेगा। अच्छा, अब आएगा कि आप जो है, ये मैंने बताया आपको कि अगर एक पोल होगा, एक ही जैसा पोल होगा तो वो रिपल करेगा, अलग अलग पोल होंगे तो क्या करेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो कभी भी आप जो है, आपके मन में सवाल आएगा कि दो चुंबक है मैम, ये वाला जो कौन सा पोल क्रिएट करेगा, ये कौन सा पोल क्रिएट करेगा। देखिए, कोई तो ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी जानता है, ये हो सकता है आपको अगर एक चुंबक दिया जाए, ठीक है, और अपोजिट पोल में भी एक जो है लोहा या फिर जो भी मैग्नेटिक मटेरियल जो अट्रैक्ट करे वो चीज आपको सब्सटेंस मिल जाए, तो आप क्या करोगे, मान लो सपोज क्या होगा, ये वाला हमको नहीं पता है कि ये वाला जो है दूसरा वाला जो पार्ट है वो कौन सा पोल बना रहा है, तो आप क्या करोगे, इस चुंबक को इधर सटाओगे। ठीक है, सटाया, ठीक है, तो अगर ये चिपक जाता है तो आप डेफिनेटली जान जाओगे कि ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे का अलग अलग पोल बनाया होगा, तभी इसमें वो पोल में चिपक गया। बोर्ड में नहीं, सपोज जैसे ये दो मैग्नेट है, अगर इसको पास लेके आ रहे हैं, ये ऐसा हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, तो मतलब क्या, यहाँ पे एन पोल बन रहा होगा और यहाँ पे एस पोल बन रहा होगा, तभी क्या होगा, ये चिपक गया। क्लियर है, और अगर ये एन पोल है और ये भी एन पोल होगा, तो आप कितना भी ले जाओ शक्ति ताकत लगा कर, ठीक है, तो भी क्या होता है, ये चिपकता नहीं है, दूसरे एक दूसरे को दूर ढक देता है। क्लियर हो गया ये चीज।
अच्छा एक चीज और है विशेषता में चुंबक की जो है, इसमें चुंबक जो आप देख रहे हो, ये चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है, तो एक शक्ति बीच में काम करती है, वो हमको दिखती नहीं, इनविजिबल है, लेकिन वहां एक शक्ति तो काम करती है, वो है क्या, उसका नाम क्या, वो फ्लक्स है। क्या है? फ्लक्स। चुंबक में हमेशा फ्लक्स बहता रहता है, चुंबक को हमेशा चुंबक में फ्लक्स बहता रहता है। यही फ्लक्स जो है अगर अलग अलग पोल होंगे तो वो अट्रैक्ट कर लेगा फ्लक्स के थ्रू भी, और अगर अलग अलग पोल होंगे तो ये सेम पोल होंगे तो वो रिपल कर देगा। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ फ्लक्स का बात जो है। तो चुंबक में जो है मेन क्या होता है, फ्लक्स होता है। ठीक है, चुंबक में क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन से फोर्स का है। ठीक है, तो चुंबक जो है, चुंबक के फ्लक्स को हम लोग दिखाते हैं फाई से। किससे दिखाते हैं? फाई से। इसका यूनिट होता है क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, ये जो शक्ति है, ठीक है, ये आप जितना आपका जितना बड़ा चुंबक होगा उसमें मैग्नेटिक शक्ति उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, उतनी मैग्नेटिक शक्ति उसकी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है? चुंबक के साइज पर डिपेंड करता है। क्लियर है? अच्छा, चुंबक के जो फ्लक्स है, अब आपका सवाल हो सकता है ऐसा कि मैम चुंबक को तो खाली जगह पर रख दिया हमने और चुंबक से तो फ्लक्स निकल रहा था, चुंबक बर्बाद हो जाएगा क्या, ये चुंबक खराब हो जाएगा? तो ऑब्वियसली खराब होगा, लेकिन बहुत सालों तक, मतलब क्या है कि अगर चुंबक का शक्ति को बनाए रखना है तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कीपर का यूज करेंगे। हम लोग चुंबक के ऊपर कीपर का यूज करेंगे। आपने देखा होगा कीपर को भी, आपको याद नहीं अभी कैसे बता रही हूँ, समझो आप। सपोज आपने कभी रेडियो का चुंबक देखा है, गोल वाला जो रहता है, उसके ऊपर आप देखोगे कभी तो लोहा का एक पतला सा ऐसा परत लगा रहता है, लोहा का पतला सा परत लगा रहता है, प्लेट जैसा रहता है, वो क्या है, वो है कीपर। क्या है? कीपर। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बहेगा तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, वो तो कीपर में ही चला जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेट को अच्छा सुरक्षित रखने के लिए, या मैग्नेट की शक्ति या मैग्नेट के फ्लक्स को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कीपर का यूज करते हैं। सो आज हमने देखा इंट्रोडक्शन में मैग्नेट क्या होता है, और साथ ही साथ देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए। अगर नहीं समझ में आया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक से दो बार वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें, डेफिनेटली समझ में आएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के सेशन में जाकर कमेंट डाउन करें, मैं डेफिनेटली अगले क्लास में जो है आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा क्लास आज का पसंद आया होगा। सो आज के लिए इतना, थैंक यू।